नमस्कार, आपका स्वागत है लिपि किचन में। इंडिपेंडेंस डे के इस खास अवसर पे हम बनाएंगे तिरंगा पुलाव। ये बहुत ही टेस्टी रहता है, ये बहुत ही खास रहता है क्योंकि ये हमारे तिरंगे के तीन कलर से इंस्पायर्ड होके बना हुआ है, तो ये झंडे को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। राइस 1.5 बाउल लिया है और उसमें थोड़ा सा घी और नमक डालकर उसको कुक कर लिया था और उसको ड्रेन करके अच्छे से इसको साइड रख लिया, एक प्लेट में साइड रख लिया है। यहाँ पे मैंने 2-3 टेबल स्पून पीस लिया है और उसको धो के अच्छे से रख लिया है। ये मैंने चॉप्ड जिंजर गार्लिक को थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लिया है। इससे क्या होता है, हमें जल्दी से कुक करने का टाइम मिल जाता है। ये मैंने कुकिंग के लिए ऑयल लिया है। अभी 3 राइस बनाना है इसी में। ये मैंने 1 बंच पालक लिया है, उसको एकदम अच्छे से धो के काट दिया है। ये मैंने 1 कैरेट लिया है और ये मैंने प्याज लिया है। प्याज को मैंने जीरा का तड़का देके थोड़ा फ्राई करके साइड रख लिया है। अभी कैरेट राइस बनाएंगे। कैरेट राइस बनाने के लिए 1 टेबलस्पून ऑयल चाहिए, उसमें फ्राइड ऑनियन डालेंगे और थोड़ा सा ग्रेटेड कैरेट डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 बाउल यूज़ किया है क्योंकि मैंने चावल कम था। ये चॉप्ड जिंजर गार्लिक भी डालेंगे और इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अभी कुक्ड राइस डाल के उसको थोड़ा सा नमक डाल के उसको लो फ्लेम में सॉटे कर लेंगे 5 मिनट के लिए। ये कुक हो गया हमारा। अभी मैंने एक कंटेनर लिया है, उसमें क्लीनिंग रैप डाल दिया है। क्लीनिंग रैप से हमारा राइस अच्छे से निकल जाएगा। अभी इसका एक फर्स्ट लेयर बना लेंगे हम। 1 सर्विंग स्पून इसमें डालेंगे और उसको पैक कर लेंगे। अभी फिर से पनीर राइस बनाएंगे। पैन गरम करके उसमें तेल डाल के प्याज डालेंगे, उसमें प्याज डाल के पनीर डालेंगे। यहाँ पे मैंने पनीर 100 ग्राम लिया है, उसको छोटे क्यूब्स में काट लिया है और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी तो चावल डालेंगे। चावल डाल के उसको लो फ्लेम में पकाएंगे। अभी 5 मिनट हो गए हैं ऑलमोस्ट। ये हमने सेकंड लेयर बना लिया है, देखिए इस तरह यहाँ पे सेकंड लेयर बना लिया है। उसको अच्छे से टैप कर लेंगे। अभी थर्ड लेयर के लिए स्पिनच राइस बनाएंगे। स्पिनच राइस के लिए अभी तेल गरम करके उसमें प्याज और चॉप्ड जिंजर गार्लिक डाल के उसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। फिर इसमें पालक डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल के उसको कुक कर लेंगे। और इसमें ग्रीन पीस डालेंगे और उसको कुक कर लेंगे। और अभी राइस डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसको भी लो फ्लेम में हमें 5 मिनट तक पकाना है। ये देखिए 5 मिनट हो गया है। अब इसको अच्छे से पका लेंगे। अभी फ्लेम बंद करके हम उसको थर्ड लेयर का बनाएंगे। हमने जो लेयर बनाया था उसमें थर्ड लेयर भरेंगे। 1 सर्विंग स्पून के हिसाब से फुल सर्विंग स्पून डालेंगे इसमें। ये देखिए ऐसे उसको अच्छे से टैप कर लेंगे। देखिए ये देखिए ऐसे ये हो गया। अभी हम इसको डिमोल्ड करेंगे। डिमोल्ड के लिए हम प्लेट में ऐसे डालेंगे और क्लीनिंग फॉइल के लिए ये अच्छे से निकल गया। देखिए इसमें थोड़ा सा पेपरकॉर्न डालेंगे। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही खास है। तो डू ट्राई दिस रेसिपी ऑन दिस ओकेजन एंड लेट मी नो अबाउट हाउ इट इज। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज फॉलो माई लिंक lipikitchenstation.blogspot.com। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग। थैंक यू।